हाउ टेस्टी इज दैट? बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आप भी जानना चाहते हो ना ये इतना टेस्टी कैसे है? इसको देख के तो जो लेडीज है, जो पेट से है, वो और लड़कियां के मुंह में पानी आ गया होगा। हाय गाइस, वेलकम टू बैसाखी डायरी। कैसे हो आप सब गाइस? आई होप आप सब ठीक होंगे। और हाँ, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। और ये जो रेसिपी है, ये जानने के लिए आप चलिए मेरे किचन में, मैं बताती हूँ मैंने इसको कैसे कैसे बनाया। चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ओके गाइस, चलिए। हाय गाइस, आप सबको मेरे किचन में स्वागत है। ये देखिए, मैंने वो जो अचार में कर रही थी ना, उसके लिए थोड़ा सा थोड़ा भुना हुआ मसाला उसमें डालूंगी। तो जो गोटा, सॉरी, होल क्यूमिन सीड्स होता है उसको ले लिया, होल धनिया होता है उसको ले लिया, और थोड़ा सा जो पान मोरी, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, फेनल सीड्स होता है उसको ले लिया थोड़ा सा, और चार पांच सूखा मिर्च ले लिया, उसको थोड़ा सा भून के उसको फ्राई कर दिया था। ये देखिए, मैंने तेल कढ़ाई में, उसके बाद उसको ग्राइंड कर दिया था, फ्राई करके ग्राइंड कर दिया था। उसके बाद ये कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया, और दो सूखा मिर्च ले लिया, और थोड़ा सा सरसों ले लिया, और हाँ, जहाँ जहाँ पंचफूटन मैंने डाला था, पंचफूटन में जो जो आता है, जीरा, सरसों आता है, मेथी आता है, और जो फेनल सीड्स आता है, और अजवाइन आता है, वो सब मिला के मैंने ले लिया था थोड़ा थोड़ा। और यहाँ मैं 5 केजी मैंने आम लिया था, उसको मैंने अच्छे से काट के, वो जो हल्दी हल्दी पाउडर और नमक होता है उसको अच्छे से उसमें मिला के मैंने कुछ देर, 2-3 घंटे रख दिया था। उसके बाद उसको मैंने क्या किया ना, 2 दिन तक उसको फैन के नीचे सुखा दिया था, जो पेपर में स्प्रेड करके उसको सुखा दिया था, वो ऐसे हो गया है। और देखिए, वो जो तेल में मैंने जो जो भी डाला था ना, उसको वही तेल से मैं यही जो आम है इसको अच्छे से मिला रही हूँ। आप अच्छे से मिला लीजिएगा, थोड़ा सा मिलाएगा, ज़्यादा नहीं। और हाँ, ये 5 केजी आम के लिए मैंने 2 केजी गुड़ को लिया है, उसको जो काट के, छोटा छोटा काट के उसको ले लिया है। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि जब मैं रिकॉर्डिंग पे रखी थी, मेरा हाथ भी बीच में आ रहा था, तो प्लीज़ एडजस्ट इट। तो देखिए, ये मैंने बहुत ही कष्ट से इसको मैंने मिक्स कर दिया है, गुड़ को ये आम में, इसको अच्छे से आप मिक्स करना, और उसके बाद बिठा देना जब तक गुड़ अपना कलर ना चेंज करे और थोड़ा थोड़ा कम ना होने आ जाए। जब गुड़ कम हो जाए ना, तो अच्छे से गुड़ जब सेट हो जाए, जैसे हाथ में जैसे एक तार वाला होता है ना, चिपका चिपका होता है, वैसे हो जाए, तब तक आप मिक्स करते रहना। ये देखिए, मैं बीच बीच में मिक्स कर रही थी, क्योंकि बीच में नीचे लग जाता ना, इसलिए। ये देखिए, गुड़ का कलर कैसे चेंज हो गया है, रेड कलर हो गया है। यही तक आप करना, बीच बीच में चलाते रहिएगा। मुझे शायद मुझे 5-6 नहीं, 1-2-3 घंटा तो लग गया, 2 घंटा तो मैक्सिमम लगता ही लगता है। ये देखिए, गुड़ का कलर भी चेंज हो गया है, और अच्छे से मिक्स हो रहा है, और धीरे धीरे वो धीरे धीरे आके जब कम जाएगा गुड़, जब क्वांटिटी कम हो जाएगा, तब आप जान लेना। उसके बाद देखिए, जब मुझे लगा कि गुड़ की क्वांटिटी कम हो गई है, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, और जो पहले मैं जो मैंने पाउडर बनाया था ना, उसको 3 चम्मच डाल दिया, और ऊपर से थोड़ा सा फेनल सीड्स डाल दिया, क्योंकि मुंह में अच्छा लगेगा। ये मैंने किसी के वीडियो पे देखा था, तो उसी की रेसिपी फॉलो कर रही हूँ। और हाँ, ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप ज़रूर घर में ट्राई करना, ठीक है?
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ नीचे कमेंट भी करना कि आपको और उड़िया कुजिन में क्या चाहिए, क्योंकि ये उड़िया कुजिन सीरीज चल रहा है तो उड़िया कुजिन में और क्या क्या रेसिपी सीखना है। बाय गाइस।